નમસ્કાર મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? વેલકમ બેક ટુ ગુજરાતી ક્લાસ. તો આજ હમ મિલે ગુજરાતી ક્લાસ મે ઓર હમ ક્યા સીખ રહે હૈ ગુજરાતી મે કિસકો યાદ હૈ? યસ, હમ ગુજરાતી મે ચેપ્ટર નંબર 4 આ થી આહા સુધીના માત્રા વાળા શબ્દ સીખી રહ્યા છીએ. આજે આપણે પાઠ 6 સમજવાના છીએ. આપણે લાસ્ટ વિડિયોમાં પણ શું સમજ્યા હતા એને પણ થોડું યાદ કરી લેશું, બરાબર? તો તમે બધા તૈયાર છો ને શીખવા માટે? તો ચલો આપણે સમજીએ. આપણે સમજવાના છીએ સ્વાધ્યાય, બરાબર? આજ હું ક્યાં સમજેંગે? સ્વાધ્યાય. અમને લાસ્ટ વિડિયો મેં શીખી હતી એ કી માત્રા, છોટે એ કી માત્રા, ઠીક હે? તો એ સારે હમને પેરેગ્રાફ ભી દિયે થે. અબ હમ ક્યા કરેંગે? ઉસકા અભ્યાસ, ઠીક હે? તો સબસે પહેલા પ્રશ્ન કોણ સા હે? ઇતની માત્રા વાળા શબ્દો ઓળખી તેના ઉપર સર્કલ કરો. મતલબ હમે ક્યા કરના હે કે જો ઇ કી માત્રા કહાં સે હોતી હે? એસ સે સ્ટાર્ટ હોતી હે, ઠીક હે? તો જહાં ભી ઇ કી માત્રા લગી હે વહાં પર હમે ક્યા કરના હે? સર્કલ કરના, ठीक है? जैसे मैं आपको करके दिखा रही है. तो देखो यहाँ पर ये जो है वो ई की मात्रा है, ये नहीं है, ठीक है? ये बड़े ई की मात्रा है, ये भी छोटे ई की मात्रा है, ओके? तो हम यहाँ पर ई की मात्रा जहाँ जहाँ पर है हम क्या करेंगे? सर्कल, जैसे मैम कर रही है, ठीक है? ये वाली नहीं आएगी. तो यहाँ पर भी है और इस लाइन में नहीं है, यहाँ पर है लास्ट में, ठीक है? दो है ऐसे, ठीक है? मैम ने आपको करके दिखाया है. और हमारा लास्ट है चित्र ओळखी नेक्स्ट, सॉरी लास्ट नहीं नेक्स्ट, चित्र ओळखी खाली जगह पूरो, ओके? तो हमें चित्र को पहचानना है और उसका नाम लिखना है. जैसे कि ये चित्र किसका है बताओ? हाँ, सीता. क्या कहते हैं इसे? सीता. कौन सा है ये? सीता, ऐसे लिखते हैं, ठीक है? और ये कौन है जो आपको पढ़ाता है? शिक्षक. क्या बोलते हैं गुजराती में? शिक्षक, ठीक है? और ये क्या है जो हवा में उड़ता है? विमान. क्या बोलते हैं इसे? विमान, ठीक है? और ये क्या है? क्यूट सी बिलाड़ी. क्या बोलते हैं इसे? बिलाड़ी, ठीक है? ऐसे. और ये क्या है? क्या है आप लोग जहां पढ़ने जाते हो? निशान. क्या बोलते हैं इसे? निशान, ठीक है? आप सबने नोट किया कि इन सारे शब्द में ई की मात्रा लगती है ना? समझ में आया आपको? ये सारे शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? ई की मात्रा, ठीक है? और ये क्या है बताओ? जीरा. क्या कहते हैं इसे? जीराफ, ठीक है? और ये क्या है बताओ? रिक्शा. क्या है? रिक्शा, ठीक. और ये क्या है बताओ? गणपति. यही शब्द इसके अंदर लिखना है, अच्छे हैं राइटिंग में. और गुजराती भी हम ऊपर की लाइन को टच करके लिखेंगे. मीनार, आपको पढ़ना भी है, ठीक है? मीनार, ओके? छोटे छोटे अक्षरों में लिखेंगे तो आप आराम से तीन लाइन में लिख सकोगे. मीनार, ठीक है?
फिर यहाँ पर आएगा निधन, क्या आएगा निधन, और एक बार लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, निधन ऐसे, ठीक है। तो अब हम ये जो बाकी के सारे हैं आपको घर पे होमवर्क में कर रहे हैं, और हमारा लास्ट अभ्यास है एक सरखा बे शब्दनी ऊपर सर्कल कर, मतलब हमें जो यहाँ पर शब्द दिया गया है उसके जैसा दूसरा शब्द ढूंढ कर हमें सर्कल करना है। जैसे मैम ने आपको करके दिखाया है वीणा वीणा, चित्र चित्र, ईयर ईयर, शिखर शिखर, ठीक है। तो ये था हमारा अभ्यास, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की मात्रा सीखने के लिए वापस मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये अभ्यास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, आओ जो